इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अगर मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कराना चाहते हैं तो हमें आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे डीआरडीओ की एडमिट कार्ड आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। इसकी जो एडमिट कार्ड है एक्टिवेट हो चुकी है। एडमिन एंड एलिन की वैकेंसी एक्टिवेट की गई थी जिसमें टेक्नीशियन की पोस्ट जारी किया गया था। सो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा तभी आपकी जो डाउट है वो क्लियर होगी। फिलहाल हम ऑफिशियल वेबसाइट पे है जहाँ से एडमिट कार्ड को चेक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू व्यू या डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर टायर फर्स्ट सीबीटी एग्जामिनेशन टेक 1। एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए जस्ट आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। एडमिट कार्ड चेक करने की जो डेट है 23 दिसंबर 2022 से एडमिट कार्ड एक्टिवेट हुआ है। लास्ट डेट 11 जनवरी 2023 है। 11 जनवरी 2023 से पहले अपने एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिए क्योंकि ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा तो आप यहां से अपने एडमिट कार्ड को कभी भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे ना ही चेक कर पाएंगे। थोड़ी सी इस भर्ती के बारे में हम यहां पे डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए कि कौन सी वैकेंसी जारी किया गया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया था। 1061 के पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी। इसमें आपको कई प्रकार की वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया था। टेक्नीशियन के तहत फायरमैन ड्राइवर की और ड्राइवर की पोस्ट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट और सिक्योरिटी गार्ड की। तो चलिए यहाँ पे हम आपको लाइव दिखाते हैं अपने एडमिट कार्ड को कैसे चेक करेंगे। सो एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसका आपको यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखना है। एप्लीकेशन नंबर आपके आवेदन फॉर्म में मिलेगा। अगर आपने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको इनके द्वारा मैसेज भी अभी सेंड किया गया होगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपकी जो एडमिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अपने एडमिट कार्ड को आप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी कि एप्लीकेशन नंबर है। आपको इस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे इस बॉक्स में लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पासवर्ड लिखना है या तो डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आपको दोनों में से कोई भी एक को लिखना है। अगर आपको पासवर्ड पता है तो बिल्कुल सिंपल आप पासवर्ड लिख सकते हैं। पासवर्ड नहीं पता है तो अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने की जो तरीका है देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बताया गया है। पहले डीडी रहेगा यानी कि पहले आपका डेट रहेगा। इसके बाद डैश लगानी है आपको। इसके बाद एमएम रहेगा यानी कि मंथ रहेगा। इसके बाद आपको डैश लगानी है। फिर इसके बाद ईयर रहेगा यानी कि वाई। इतना आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसा लिखने का तरीका है। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को ऐसे डैश लगा के लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मिल जाएगा। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ और होगा, जो भी कैप्चा कोड शो होगा आपको इस बॉक्स में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए लॉगिन का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सो चलिए यहाँ पे जो भी डिटेल्स है उसे हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अगर आप अपना डिटेल्स बिल्कुल सही लिखेंगे तो आप जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपकी जो एडमिट कार्ड है बिल्कुल आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए मैसेज मिलेगा, यह प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान जमा किया जाएगा। यानी कि ये जो आपकी एडमिट कार्ड है वहाँ एग्जामिनेशन के एड्रेस पे जमा किया जाएगा। ये आपकी एडमिट कार्ड है टेक ए टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन की। आपको यहाँ पे डीआरडीओ की डिटेल्स मिल जाएगी। अपने एडमिट कार्ड को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं यहाँ पे आपको बटन मिलेगा क्लिक हियर टू प्रिंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चाहे तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या तो आप इसे पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। सो चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं। इस एडमिट कार्ड में आपके सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको इस साइड में मिल जाएगा। आप किसके लिए आवेदन पोस्ट अप्लाई किए हैं यहाँ पे आपको डिटेल्स आपका मिल जाएगा। आप कौन सी आईडी दिए हैं उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पहचान पत्र आपको एग्जाम में शामिल होते समय लेकर जाना पड़ेगा, ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना पड़ेगा तो आप एक या दो फोटो साथ में लेकर जाइएगा। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तब आपको ये फोटो चिपकाना पड़ेगा। रंगीन आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होनी चाहिए। एग्जामिनेशन की जो डेट है 6 जनवरी 2023 है। आपको इस पते पे जाके एग्जाम देने जाना पड़ेगा। आपका जो भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन रहेगा उसी पते पे आपको जाके एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन की जो समय है यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। कौन सी शिफ्ट रहेगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितने बजे आपको उपस्थित होना है वो आपको यहाँ पे मिलेगा और कितने बजे गेट क्लोज होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। ये सीबीटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड है यानी कि आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ कर इसका एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा आपको नीचे इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। जब आप एग्जाम में शामिल होइएगा तब ये सिग्नेचर कीजिएगा। यहाँ पे जांचकर्ता के सिग्नेचर रहेंगे और नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि इस एग्जाम में शामिल होने के लिए कौन कौन से दस्तावेज या कौन कौन सा डिटेल्स आपको लेकर जाना पड़ेगा और कैसे आपको एग्जाम देना है कंप्यूटर में बैठ के। तो आपको इसको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना है। इसमें COVID-19 की जो फॉर्म है सबमिट नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये एडमिट कार्ड लेकर जाना है। नीचे का जो पेज है इसे आप नहीं लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर यहाँ तक का आपको लेकर जाना पड़ेगा एग्जाम में शामिल होने की। तो गाइस इस प्रकार से आप
अपने एडमिट कार्ड को चेक करेंगे और डाउनलोड करेंगे। फिलहाल मैंने आपको लाइव यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखा दिया। ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपका कोई सवाल होता है या आपका एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं होता है तो हमें आप इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। हम आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अपना हमें मोबाइल नंबर जरूर सेंड कीजिएगा, जिस पर मैं आपका डाउनलोड करके आपको सेंड कर सकूँ। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कराना चाहते हैं तो हमें आप इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। फिलहाल गाइस, कोई समस्या होती है, कोई सवाल होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।